Indian shooting stars Manu Bhaker and Saurabh Chaudhary, who had smashed the qualification world record before clinching the 10-meter air pistol mixed team gold in the 12th Asian Airgun Championship in Taoyuan, Taipei, are back home and are preparing for the upcoming China World Cup. NNIS speaks to Manu in her native town Charkhi Dadri on her performance and breaking the world record. एशियन एयरगन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी इंडिया की और ऑल में भी बहुत सारे मेडल्स आए थे और इसमें मैंने भी बहुत अच्छा खेला था तो हमारा मिक्स्ड इवेंट में गोल्ड रहा था और मुझे बहुत खुशी है कि इंडिया के लिए मैं गोल्ड जीत पाई. वर्ल्ड रिकॉर्ड तो टूटने के लिए ही बनते हैं तो पर पता नहीं चलता है कब टूट जाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा है. पहले तो पूरा फोकस रहता है अपनी परफॉर्मेंस पे, फिर उसके बाद बाद में पता चलता है कि कैसा रहा है. तो मुझे बहुत खुशी है कि इंडिया के नाम पे एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मैंने. इंडिविजुअल में सारा का सारा हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसा खेलते हैं, पर मिक्स इवेंट में कहीं ना कहीं हमारे टीममेट पे भी, जो हमारे साथ खेल रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कैसा खेल रहा है. तो 50-50 होता है इसमें कि दोनों की परफॉर्मेंस मैटर करती है, पर इंडिविजुअल में सिर्फ हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसा खेलते हैं. सौरभ और हम टीममेट हैं, जैसे वो भी इंडिया रैंक वन है, मैं भी इंडिया रैंक वन हूँ, तो हम दोनों साथ खेलते हैं और अच्छा खेल लेते हैं. तो मेडल्स भी बहुत हमारे हर बार मेडल आए हैं, वो बहुत अच्छा खेलता है. और आने वाले में चाइना वर्ल्ड कप है और उसके बाद म्यूनिक वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप है अभी जो आगे आ रहे हैं. तो कैसी तैयारी चल रही है आपकी? अभी तैयारी चल रही है, बस धीरे धीरे कर रही हूँ.